हेलो शुडाई, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब फाइन हो। घर पे सबकी तबीयत ठीक है ना स्टूडन? ओके, तो स्टूडेंट वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 5th। तो रेडी हो आप वर्क करने के लिए? तो ओपन योर वर्कबुक स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8, आप सोच रहे हो कि मैम ने चैप्टर नंबर 8 क्यों ओपन करवाया? तो चैप्टर नंबर 8 हमने अगले वीडियो में कंप्लीट किया था, तो एक बार आप उसकी नज़र से देख लो। अगर नहीं किया है तो कंप्लीट कर लेना। ओके, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अगर आपको बाकी हो तो प्लीज़ कंप्लीट कीजिए वर्कबुक आपकी। ओके, टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर 4, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, फिर उसके सामने है प्रवृत्तियाँ। तो ये बॉक्स बनाने लिखे मुझे, मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। फिर ये वर्ड लिखने थे, फिर ये, फिर आपको मैंने रैपर चिपकाने के बोला था, तो आई होप कि आपने रैपर चिपकाया होगा। ओके स्टूडेंट, फिर ये है रेपर के क्वेश्चन आंसर्स, रेपर से ऊपर के देने के हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो टर्न योर पेज, हम पुनरावर्तन 2 करते हैं। पुनरावर्तन 2, कि चित्र के आधार पर कहानी बनाकर कक्षा वर्ग में सुनाइए। तो ये स्टोरी बंदर वाली है, तो ये आपने स्टोरी सुनी होगी है ना, और आपको आती भी होगी। ओके, तो ये स्टोरी हमें यहाँ पे ओमिट करनी है, क्योंकि ये स्टोरी हम एग्ज़ाम में पूछने वाले नहीं हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भाई निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला आएगा संजोग, संपत्ति, सत्यव्रत, साई, साधु, शार, साहस। ओके, उसके बाद ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और लिखिए, होमवर्क है आपका। तो आपको ये खुद देख देख कर रीड एंड राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, समझ कर लिखिए। तो लिंग पहचाने, तो जैसे कि सेठानी यहाँ पे लिखा है, तो ये कौन है? सेठ, सेठ, तो सेठानी, जो आपके एग्जाम में आएगा कि भाई लिंग बदलिए। ओके, तो सेठ तो सेठानी, पुरुष तो स्त्री, लड़का तो लड़की, फिर ग्वाला तो ग्वाली। टर्न योर पेज स्टूडेंट। पीछे वापस आपको सेंटेंस बनाने खुद से, जैसे कि होमवर्क में दिया गया है कि यह सेठ है, तो यह सेठानी है। उसके बाद में क्या था कि यह पुरुष है, तो यह स्त्री है, फिर यह लड़का है, यह लड़की है, यह ग्वाला है, यह ग्वालिन है। ओके, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे वचन, जैसे कि एक वचन दो वचन करना है। ओके, तो जैसे कि एक, तो एक चीज़ होती है तो पत्ता, और एक से ज़्यादा होती है तो पत्ता, जैसे कि हम इंग्लिश में सिंगुलर पुलर करते हैं वैसे। ओके, तो यह पत्ता है, तो ये पत्ते हैं। उसके बाद में ये है गुब्बारा, यह गुब्बारा है, ये गुब्बारे हैं। फिर यह टोपी है, ये टोपिया है। केला, यह केला है, ये केले है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट अंडरलाइन किया है, तो आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, और आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि फर्स्ट फिलअप्स में क्या है कि बच्चे खेल, तो बच्चे खेल रहा है कि रहे हैं आएगा,
तो बच्चे खेल रहे हैं। खाली जगह दौड़ रहा है तो कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है कि घोड़े दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। ये खाली जगह है तो ये राजा है कि राजा है, तो ये आया तो ये बहुवचन हो गया तो राजा है। फिर खाली जगह जा रहा हूँ तो मैं कि हम, तो मैं जा रहा हूँ। हम खाली जगह खेल रहा है कि खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं। फिर सिक्स नंबर, खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है, तो इन किताबों में रामायण नहीं है। खाली जगह लड़के ने लड्डू दिया, तो उस लड़के ने लड्डू दिया। हम कबड्डी खेलने खाली जगह जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन आंसर आपको वर्कबुक में से ढूंढकर खुद से लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो सुबह तो शाम, मूर्ख तो चतुर, सूखा तो गीला, दोस्त तो दुश्मन, दिन तो रात, अंधकार तो उजाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्त तो मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ, सुबह तो प्रातःकाल, वक्त तो समय। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी वर्कबुक 15 वतन 2 के साथ कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, 15 वतन 2 आपको CW में नहीं लिखना है, ओके। आपको ओनली फॉर चैप्टर 8 तक ही कंप्लीट CW में करना है, और 15 वतन 2 आपको वर्कबुक में करना है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो से हम रिवीजन करवाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है, ओके। तो आई होप कि आपकी वर्कबुक CW जो भी है वो कंप्लीट करके रखना और साथ में लर्न करते रहिए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।